हाँ तो यार, वो कैसे हो? मतलब ठीक ठाक हो ना? अच्छा, ये आवाज़ सुनी सुनी लग रही होगी। अरे सुनी सुनी तो लगेगी ही यार, इतने टाइम बाद जो आया हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। सो गाइस, इट्स डीसी हियर बैक विद अनदर वीडियो, एंड दिस टाइम इट्स ट्रेन सिम वर्ल्ड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस, मैंने सोचा यार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर मैं भाइयों को वीडियो दिखा रहा हूँ तो कुछ नया करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक नए गेम में होने वाली है। मतलब इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, अपने चैनल पर अपलोड करी थी, बट उसमें मैंने कमेंट्री नहीं करी थी और एक शॉर्ट गेम प्ले डाला था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है और ये गेम भी पसंद आ जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और खेलते खेलते मैं इस गेम की बात भी कर सकता हूँ। तो यार देखो, वही है अपना नॉर्मल रूटीन। आई एम अ ट्रेन लोको पायलट, ड्राइवर हैं हम किसी ट्रेन के, वही उसे ऑपरेट करेंगे। बट आज का सीन क्या हो रखा है, मैं मतलब ओपन रेल्स में तो ट्रेन्स को फेल करता ही था, बट ये जो ट्रेन सिम वर्ल्ड है इसमें भी यार ट्रेन जो है फेल हो रखी है। मतलब गाइस, एक ट्रेन थी, मुझे नहीं पता यहाँ से ऑपरेट होती है या यहाँ पर आने के बाद ऑपरेट होकर कहीं जाती है, या मतलब सोर्स स्टेशन यही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट एक ट्रेन जो है यहाँ से उसको चलना होता है, बट क्या हो चुका है, उसमें जो है कुछ ख़राबी आ गई है, फेलियर आ चुका है। तो इस वजह से वो अपनी मतलब जर्नी अब कंटिन्यू नहीं कर सकती, और इसी वजह से हमें ये लोकोमोटिव जो मेरे सामने आया है, पता नहीं यार वो लेडी आई थी इसको लेकर आई थी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मुझे जो है इस लोकोमोटिव को ऑपरेट करना है और उस ट्रेन को जो है रेस्क्यू करना है। तो चलो यार, वो आज की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और यार गेम की बात की जाए ना, मतलब लेवल ऑफ डिटेलिंग देख रहे हो यार, ऐसी डिटेलिंग अगर अपने इंडियन रेलवेज में आ गई क्या ही कहने। इंडियन रेलवेज, अब यार तुम लोगों को देखो, मजाक मत उड़ाना, मैं किस वे में बात करता हूँ। इंडियन रेलवेज में आ गई, मेरा मतलब अगर इस गेम में इंडियन रेलवेज का कोई DLC आ जाता है, मतलब एक तरह से एड ऑन यार, अगर आ गया ना भाई, मैं तो उसे ही खेलूँगा सबसे पहले। तो चलो यार, अपना डोर ओपन करते हैं और लोकोमोटिव के अंदर चढ़ते हैं। पहले तो क्लाइंब अप कर देते हैं, डोर क्लोज कर देते हैं, क्या पता यार रास्ते में कोई चढ़ जाए डोर खोल के। भाई लूट पूट लिया तो वैसे ही अपने पास पता नहीं क्या क्या है। वैसे यार जेब तो खाली होगी, क्या ही रखना है, ट्रेन चलाने जा रहे हैं यार, किसी से मिलने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये कहना है थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस ऑन दिस जॉब, कि जी हाँ आप हमारी सहायता कर रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फलाना ढिमकाना जो भी है देखते हैं। तो अभी ये हमसे कह रहे हैं मास्टर की ऑन करो, ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपका टास्क क्या है। तो और यहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ब्लू सर्कल में कुछ ये स्टार वगैरह बने पड़े हैं। तो भाई पहले मास्टर की जो है ऑन करते हैं, भाई ऑन हो जा, और फिर जो है रिवर्सर को फॉरवर्ड में लगाना है, तो वो आप W प्रेस करके कर सकते हो, या यहीं से मैं इसको आगे कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो जो हमारा रिवर्सर है वो आगे की तरफ लग चुका है, मतलब ये आपको बताता है कि आपकी जो ट्रेन है, मतलब जो लोकोमोटिव है, वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा या न्यूट्रल स्टेट में खड़ा रहेगा। और भाई अभी ये मेरे से कह रहा है कि हेडलाइट्स ऑन करो, ये वो, मतलब शुरू में जो भी है भाई कर देते हैं। और यार कैब लाइट ऑफ कर देते हैं, कैब लाइट यार जब ऑन होती है ना तो पता नहीं क्यों वो मेरी आंखों पे चुपती है। और वैसे यार अभी पता नहीं कि मैं कितने टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तुम सभी को पता है मैं रात को वीडियो बनाता हूँ अपनी सारी की सारी। तो अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं, पता नहीं कब इसे मैं कंप्लीट करूँगा और कब एडिटिंग करूँगा, देखते हैं यार। अभी तो अपनी ट्रेन पर फोकस करते हैं। और अभी ये कह रहा भाई ब्रेक्स को रिलीज़ कर दे, और ब्रेक्स को चलो रिलीज़ कर दें, इसको इधर करना है रिलीज़ पे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी राइट साइड में जो है निडल्स जो हैं इधर से उधर हो रही हैं, ये भाई इंडिकेट करता है कि आपका जो ब्रेक पाइप है उसमें प्रेशर कितना है, मतलब वो रिलीज़ कर रहा है जो भी है यार। ये देख रहा हो यहाँ पे ब्रेक प्रेशर दिख रहा है, तो वो रेड स्विच जो है ज़ीरो पे आ गया, और दूसरी बारी वाइट वाली थोड़ा ग्रीन की तरफ जा चुकी है। तो भाई अपने जो है ये सब हो चुका है, सिग्नल हमारे पास है, एक थ्रॉटल दे देंगे हम अपनी ट्रेन को, थोड़ी सी पावर इंक्रीज़ करेंगे लोकोमोटिव की, ताकि ये आगे बढ़ना चालू करते। तो भाई और गाइस यार, पहली वीडियो है मेरी ये ट्रेन सिम वर्ल्ड मतलब गेम की, तो ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं कर सकता कि आधे घंटे की कर दूँ या 40 मिनट्स की, बिकॉज़ यार मेरे को नहीं पता गाइस कि आप लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में है इसमें अभी, मतलब ट्रेन सिम वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है या नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट गेम प्ले रखूँगा 15 मिनट का मैक्सिमम। तो 15 मिनट तक मैं जितना भी इस सिनेरियो में कवर कर सकता हूँ उतना करेंगे,
और स्पीड लिमिट अभी हमारी थोड़ी ज़्यादा है और सिग्नल भी है, तो थोड़ी सी स्पीड जो है इनक्रीज़ कर देंगे यहाँ पर हम, मतलब अपना थ्रॉटल जो है इनक्रीज़ करके डबल येलो अपने को सिग्नल मिला है। और यार इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में मैं बात करूँ ना भाई, बस क्या ही कहूँ यार, इस पर दिल आता है भाई, ऐसी चीज़ पर दिल आता है लिटरली। और आप सभी को पता है कि मैं जो सिम्युलेटर गेम्स होते हैं उसका कितना बड़ा फ़ैन हूँ यार मैं। मतलब मैंने ETS 2 और ATS जो कि अमेरिकन ट्रक सिम्युलेटर, वो भी परचेज़ किया हुआ है, और अब ये, और ट्रेन सिम्युलेटर भी है मेरे पास भाई। मेरे को ये बहुत मतलब मज़ेदार लगते हैं यार ये गेम्स, ए और ओपन वर्ल्ड गेम्स भी, लाइक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, GTA 5, उसकी भी यार वीडियो लेके आऊँगा मैं कभी, क्योंकि बहुत भाई लोग कहते हैं कि आप GTA 5 खेलो। पहले मैं खेलता था यार, वो फिर मैंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था वीडियो अपलोडिंग उसकी। तो अगर आपको पसंद आएगी तो, और आप बोलोगे कि हाँ जी भाई GTA 5 की भी मतलब वीडियो बना रहे, तो बनाऊंगा यार उसके भी। और यार देखो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो मे भी मेरे बोलने का वे और कमेंट्री करने का एक तरह से स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया हो, या मतलब गिर गया हो, इन शॉर्ट मैं बोल देता हूँ जो उसका स्कोर है वो थोड़ा गिर गया हो, तो सॉरी, कुछ टाइम लगेगा मेरे को वापस वो करने में, मतलब वापस से फॉर्म में आने में। और अभी तो यार जैसे कि आप सभी देख सकते हो अपना जो है लोकोमोटिव आगे जा रहा है, और यार अपना रेड सिग्नल है कुछ ही दूरी पर, तो अभी हमें ब्रेक्स भी लगाने हैं ज़्यादा स्पीड में, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। 0.7 माइल के बाद जो है मेरा रेड सिग्नल है, तो भाई कितनी स्पीड रखनी चाहिए यार, इतने तो पहुँच ही जाएंगे। चलो 3 का थ्रॉटल कर देते हैं, थ्रॉटल पावर हम 3 पर रहने देते हैं। ये आपको बता देता है, इंडिकेट कर देता है कि कहाँ पे आपको स्टॉप लेना है, जैसे अपने ओपन रेस में है वो F10 वाला विंडो जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है। यार आगे 25 माइल्स पर आवर की भी स्पीड लिमिट है, तो ध्यान से जाएंगे, मतलब थोड़ी दूरी पर है, इतनी पास भी नहीं है, तो इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप सभी देख सकते हो जैसे अपनी रियल ट्रेन मूव करती है, या ट्रेन में किसने सफ़र नहीं किया होगा, आपने किया है तो जैसे करती है, और जो ट्रैक्स होती हैं जो साइड से जाती हैं उनका विजिबली मतलब एक तरह से विजिबल कैसी होती हैं, वो वही लुक इस गेम में दिया जाता है। मतलब देख रहे हो एक लुक आ रहा है रियलिटी वाला, रियल वाला, सॉरी क्या बोलो यार मैं इस गेम के बारे में, मतलब मेरा ना पूरा दिल आ जाता है इस पर जब मैं इसे खेलता हूँ। मैंने पहले टाइम में खेला था वो CSX हैवी ऑल था, और ये है ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस DLC। और यार अब ब्रेक्स भी लगाएंगे, थ्रॉटल पावर मैंने पूरी ज़ीरो कर दी है अभी, तो ब्रेक सप्लाई कर लेते हैं यार, अभी छोड़ भी देते हैं क्योंकि यार अभी थोड़ा सा दूर है अपना जो स्टॉपेज है वो 200 यार्ड पे है, 200 यार्ड होगा यार, पता नहीं कितना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता यार। यहाँ पर मैं कन्वर्टर दिख रहा हूँ कि भाई जब मैं कन्वर्ट करूँ यहाँ माइल्स टू किलोमीटर पर आर कितना होगा, मतलब माइल्स टू किलोमीटर सॉरी पर आर क्या ही बोलूँ यार, मैंने बोला ना गाइस कि काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो मेरा कमेंट्री का जो वे है वो थोड़ा हिल गया है, मैं तो हिला ही हूँ, मेरी कमेंट्री का वे भी हिल गया है। तो चलो यार यहाँ से अभी हमें रिवर्स करना है एक्चुअली, ये गाइस सिनेरियो मैंने खेला था। और हाँ यार अगर आप ये सिनेरियो खेलते हो ना इस गेम में, तो आप एक काम करें कि इस को पूरा कंप्लीट करें जब भी आप प्ले करें, सेव करके ना ओपन करें, क्योंकि ऐसा क्या होता है लास्ट में ना एक पॉइंट पर हमें सिग्नल का इशू आ जाता है। अगर आप सेव करके इस सिनेरियो को वापस से ओपन करके प्ले करते हो, अगर अभी हमें क्या करना है रिवर्सर न्यूट्रल में लगाना है, तो भाई न्यूट्रल में लगा देते हैं रिवर्सर को, और क्या करना है भाई मास्टर की को ऑफ कर देना है। तो भाई लो मास्टर की मैंने हटा दी गाइस, मास्टर की आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि आप गाड़ी में अपनी जाके बैठते हैं, आपको कहीं जाना है तो आप सपोज अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए, अब आपको गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, उसमें चाबी लगानी होती है। तो बस यही चीज़ इसमें है, आपको ट्रेन चलानी है तो पहले आप लोकोमोटिव के अंदर जाओगे और उसमें चाबी डालोगे और चाबी को घुमा दोगे ताकि चल जाए। तो चलिए यार अभी हमसे क्या कह रहे हैं, टर्न दी हेडलाइट एंड टेल लाइट्स ऑफ, तो चलो भाई हेडलाइट हम ऑफ़ कर देंगे और टेल लाइट्स पे हम मैंने ऑफ़ कर दी है और हेडलाइट्स भी ऑफ़ कर दिए। अभी ये क्या कह रहे हैं, अच्छा अब हमें पीछे की साइड अपना लोको लेके जाना है, तो हम अपनी जो है
पोजीशन चेंज करेंगे, हम पीछे वाले कैब में जाके बैठ जाएंगे और सेफ्टी फर्स्ट, डोर सारी क्लोज करेंगे। डोर को भाई, डोर किधर है, डोर क्लोज हो जाओ। ओ भाई इतनी ऊपर से अगर मैं नीचे कूदूँ ना भाई, पहले तो मेरे लेग्स पे चोट लगेगी। चलो जो भी है यार, अभी तो गेम है तो क्या ही चोट लगेगी। और भाई देखो ये ऐसे मैं घूम रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा नहीं घूमना चाहिए। आप ट्रैक्स पे अंधा धोने तो उधर ना चलें, पहले लेफ्ट देखें राइट देखें तभी आप क्रॉस करें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ से ट्रेन आ जाए। भाई यहाँ तो मैं पता नहीं यार क्या कह रहा हूँ, केयर टेकर बन चुका हूँ यहाँ पे आपका। चलो जो भी है भाई, डोर कहाँ से खोलूँ मैं? अच्छा चलो डोर ओपन हो गया, अब मुझे ऊपर चढ़ना है। अब डोर को क्लोज करो और यार अंदर घुसने का कहाँ है, ये रहा। चलो आ गए, अब हम सीट में बैठ जाते हैं अपनी इंजीनियर की। अब भाई क्या करना है, फिर से मास्टर की लगानी है, चाबी फिट कर दो, रिवर्सर को फॉरवर्ड में लगाना है ना। हाँ यार इधर से, तो फिर अगर हम इस कैब से चला रहे हैं तो हमारा जो है लोको फॉरवर्ड में जाएगा। और अब क्या करना है, हेडलाइट्स को डे टाइम पे करना है ताकि लोगों को पता चले कि ये लोको जो है अभी ऑपरेट हो रहा है, ऐसा ये गेम बोलता है यार। वरना यार सब देख रहे हैं लोको चल रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑपरेट हो रहा है ना, बिना लो मतलब अगर क्या कह रहा हूँ यार मैं, क्या बोलना था मेरे को। हाँ अब लोगों को घूमने तो निकलेगा नहीं, कोई उसे ऑपरेट ही कर रहा है, तो फिर से हमें जो है ब्रेक्स को रिलीज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक पाइप कंट्रोल। ओ भाई ये ट्रेन क्या गई थी यार, मज़ेदार। मतलब इस गेम में जब क्रॉसिंग होती है ना मज़ा आ जाता है। और तुम लोगों को पता है कि मेरी जो फेवरेट चीज़ होती है किसी भी गेम को मैं प्ले कर रहा हूँ तो बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को क्रॉसिंग, कोई भी हो, फिर चाहे वो ट्रक की हो, बस की हो, ट्रेन की हो, मज़ा आता है यार। ट्रैफिक जब होता है ना गेम में तब मज़ा आता है देखने में। तो भाई अभी क्या करना है, सिग्नल परमिटिंग इंक्रीज द थ्रॉटल टू गेट गोइंग। तो भाई मेरे ब्रेक सारे रिलीज हैं, एक मैं हॉर्न बजाऊंगा ताकि, और आगे आप देख सकते हो हमें सिग्नल मिल चुका है। तो चलिए फिर से पावर को इनक्रीज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यार विंडो को ओपन कर लेते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं वेदर कितना शानदार हो रहा है। और सुबह के आई गेस क्या 9:14 हो रहे हैं। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड लिमिट 60 miles per hour की है, बट अभी 60 miles per hour की कुछ यार्ड आगे जाके मिलेगी, अभी तो भाई 25 की आई गेस। हाँ 25 miles per hour की स्पीड लिमिट अभी दी गई है, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे। और यार अभी इसी ट्रैक से आई गेस ट्रेन गई थी ना, और यार देख रहे हो मतलब इसी ट्रैक पर अपने को भेज दिया गया है, क्या बात है यार। और वैसे यार इस गेम की ना आपको सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगती है, ये देखो आप क्रॉसिंग होगी तो क्या लुक आएगा ट्रेन का, ये देखो आप, मतलब जो एक तरह से मोशन ब्लर होता है वो क्या लगता है यार, क्या कहने। एंड गाइस अगर आपको ये गेम पसंद आ जाता है तो यार देखो दो ऑप्शन है, एक लीगली है आप इसे परचेस कर सकते हो, वही सबसे बेस्ट है, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रेफर करो, क्योंकि उसमें फिर ये है कि आपको कोई एरर नहीं आएगा या कुछ नहीं। और रही बात टॉरेंट किया तो प्लीज़ मेरे से इसका डाउनलोड लिंक मत मांगना, प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर दी डाउनलोड लिंक ऑफ दिस गेम बिकॉज आई डोंट हैव इट, मैंने लीगली परचेस करा है भाई। आप इस गेम को गाइस स्टीम से परचेस कर सकते हैं, और स्टीम से परचेस करने का बेनिफिट क्या होता है, डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है यार। आई गेस इसका जो डीलक्स एडिशन है, मेरे को नहीं पता डीलक्स है या कौन सा है, 3-4 हज़ार का गेम था, बट डिस्काउंट करके ये 1400 का मेरे को पड़ा है। और आपके टाइम पता नहीं डिस्काउंट कितने का होगा, अगर दिखता है तो आप ले सकते हो। और स्पीड को अभी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि 40 miles per hour की भी स्पीड आ जाएगी अभी। यार इस गेम में ना मतलब आपको सब चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, ये गेम है लगता है एकदम, एक तो रियल है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी शानदार लगती है इसकी। मतलब आप देख सकते हो जो लुक आ रहा है, जो ट्रीज़ का आ रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं, सिटी दिख रही है, क्या कहने यार। और जो लुक आ रहा है मतलब अपने कैब व्यू से, आप सोच रहे हो अगर इंडियन रेलवेज़ का DLC एक बार आ जाता है, अब भाई आ भी जाए ना, मैं तो कहूँ यार NFR का आ जाए, क्योंकि वो शॉर्ट भी है एक तरह से अपने इंडियन रेलवेज़ का जो जोन है, NFR जो है शॉर्ट भी है और अच्छा भी है, ब्यूटीफुल भी है, उसमें सभी चीज़ें कवर हो सकती हैं। उसमें आप फ्रेट चला सकते हो, पैसेंजर सर्विस को हॉल कर सकते हो। अभी तो ब्रेक लगाते हैं क्योंकि यार अपना रेड सिग्नल पास आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि उसे मैं जंप कर दूँ। और ये राइट में ही कोई क्रॉसिंग होने वाली है, उस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपने को ब्रेक्स लगाने। भाई इस चीज़ में आपका भाई बहुत आ गया, मतलब इसमें भाई मैं अच्छे से कंट्रोल करूँगा, इसमें मैं ओवर स्पीडिंग गाइस करूँगा, बट जब सीधी वो आएगी ट्रैक आएगी
अच्छा वाला वो मिलेगा, क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा। हाँ यार जो भी है, मतलब जब रास्ता अपना क्लियर होगा, सिंपल बोल देता हूँ, सबसे बेस्ट। अब यह भाई क्या कह रहा है मेरे को कि आपको जो है सिग्नलर को कॉन्टैक्ट करना, तो चलिए रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि भाई मेरे को आगे जाने दे, टैप प्रेस करके हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड। ओके पहले तो मैं ब्रेक्स को रिलीज़ करता हूँ और अपने आउटर व्यू में देखते हैं क्या ऑन बजा दिया है। अब थ्रॉटल इंक्रीज़ करेंगे और ज़्यादा स्पीड में हम जा नहीं सकते हैं, बिकॉज जैसे कि आपको पता है उसने बोला है आप एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे जा सकते हो आगे, बट थोड़ी तो पावर देनी पड़ेगी यार, क्योंकि लोग को रुक चुका है, मतलब पावर चाहिए उसको अच्छे से, इन शॉर्ट। और गाइस एक चीज़ इसमें आपको सिमिलर लगेगी कि जो अपने इंडियन रेलवेज़ के EMD लोकोमोटिव होते हैं उसकी और इसकी साउंड ऑलमोस्ट सेम लगेगी आपको। हाँ हॉर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये भी गाइस एक EMD लोकोमोटिव है एज फार एज आई नो। यार आवाज़ से ही बता सकते हो आप, अगर चगिंग करता तो एल्को हो सकता था। मतलब गाइस ये व्यू देख रहे हो आप, ये व्यू पे पता है क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे को शानदार लगती है। ये मतलब डिटेलिंग देख रहे हो आप, बोगी देख रहे हो लोकोमोटिव की, और जो लुक आ रहा है उसके चलने का, जो व्हील्स घूम रहे हैं भाई, क्या कहने यार, क्या कहने, मतलब क्या लुक है गेम का। यही चीज़ तो मेरे को प्यारी लगती है यार गेम में। और ये चीज़ आप ओपन रेल्स में देखोगे या कोई भी गेम हो गया, तो आपको ऐसी डिटेलिंग मिल ही नहीं सकती यार कहीं। तो चलो वापस आते हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पे हमें एक ट्रेन को कपल करना है। भाई टाइम कितना हो गया मेरी वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने बोला तो 15 मिनट। चलो गाइस इतना तो कर ही देते हैं, मतलब ट्रेन को मैं कपल कर दूंगा, और कपलिंग करने के बाद जो अपना जर्नी है थोड़ी सी आई गेस मैं दिखा सकता हूँ, 25 मिनट कर देते हैं आज। चलो वीडियो का टाइम तुम्हारे लिए आज 25 मिनट सही, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया तुम्हारा भाई। और अभी यार आगे ब्रेक भी लगाना है, बिकॉज ट्रेन को कपल करना है। और एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा, शानदार चीज़, इंटरेस्टिंग, रेयर, ओए होए, जो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर लोगों ने खेली होगी, इसकी वीडियो बनाई होगी, उसमें भी दिख गया होगा आपको। तो चलो अभी ब्रेक्स लगा लेते हैं भाई, ब्रेक लगा ले। ये अच्छी बात है कि इस ट्रेन में जो है पैसेंजर्स नहीं होते हैं, मतलब फेल पड़ी है तो क्या ही पैसेंजर होंगे यार। और अभी तो चलिए बाहर आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो चुका, अभी देखते हैं क्या कहता है। क्लाइंब आउट एंड एक्टिवेट द बकाई कपलर ऑन द फ्रंट ऑफ द लोकोमोटिव। तो हाँ गाइस मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अभी हम यहाँ से हटेंगे, अपने बाहर जाएंगे, और डोर खोलो भाई, अपने को बाहर जाना है, क्लोज़ कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे इंजन में कोई घुस जाए, ये सिर्फ मेरा इंजन है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी कपलिंग है, ये आप देख रहे हो ये पोर्शन CBC कपलिंग टाइप, पता नहीं यार एग्जैक्टली CBC यार क्या है, बट CBC टाइप है एक तरह से, आप देख सकते हो ये यहाँ है। और इस ट्रेन में कपलिंग का ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन देख रहे हो आप यहाँ पर, ये मैंने सोचा था इससे कुछ कनेक्ट करता होगा, मैंने कहा रस्सी बांध के लेके चल लेता हूँ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, रस्सी नहीं बांधनी होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। तो भाई अभी अपने को नीचे जाना होगा, नीचे चलते हैं, ट्रैक्स पर आ चुके हैं हम, इधर आएंगे और यहाँ पे अब ये हमें कपलर टाइप देता है, तो हमें इसे बकाई करना है, ये हमने ऐसा कर दिया है। और अब हम दूसरी ट्रेन पर जाएंगे जिसको हम रेस्क्यू करेंगे, उसके यहाँ पर आकर इसको ओपन करना है, ये हमने कपलर हैच ओपन कर दिया। और इस एक तो यार ये ना नीचे है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, बकाई को बाहर निकालना है। तो भाई ये देखो ये इसका बाहर आ चुका है, और यहाँ पर मेरे शब्दों का बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है, तो प्लीज़ गाइस मतलब इग्नोर करना ये सब चीज़ों को भाई, वो एक्चुअली में हो रहा है। अब हिंदी में ऐसा बोल रहा हूँ तो वही होगा यार, मैं अपने लोकोमोटिव के ऊपर कैसे जाऊँगा, मतलब कैबिन में कैसे जाया जाए। हाँ इधर से भी तो गेट है यार, ओपन कर दो, डोर खोलो, ऊपर चढ़ो, डोर को बंद करो, ये तो कोई घुस गया तो ज़रा से मैं चाकू रख देगा यार मेरी गर्दन पर। तो चलो भाई अभी क्या करना है, अपने को वो ट्रेन को कपल करना है, और कपलिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है भाई, फ्री व्यू में जाके आप कर सकते हो, दूसरी ट्रेन के आप पास जा सकते हो, बिकॉज यार आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो जो भी लोकोमोटिव आप ऑपरेट कर रहे हो। ब्रेक्स को करेंगे रिलीज और हॉर्न बजा देंगे एक वार्निंग के लिए, वैसे तो कोई दिख नहीं रहा यार इस गेम में गाइस, आपको वो भी दिख जाएंगे पैसेंजर्स बहुत, और लोकोमोटिव यार हल्के हल्के हम आगे बढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत तेज़ लाके मैं इस ट्रेन को स्लैम कर दूँ बहुत तेज़ से,
तो 1 miles पर आर की अभी मैं स्पीड मेंटेन करूँगा, तो बस यार इतनी स्पीड मेंटेन करते हैं। चल भाई आगे बढ़, कपलिंग कर जल्दी से, फिर इस ट्रेन का थोड़ा सा जर्नी पार्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा और आगे का आगे की वीडियोस में कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं काफ़ी टाइम बाद आया तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ? भाई चुप हो जाए यार, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। Why do you do this always? भाई ब्रेक्स। तो गाइस अभी हमने ब्रेक्स लगाए हैं, अभी कपलिंग नहीं हुई यार, थोड़ी सी थोड़ा और पीछे लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पीछे लेके आ जाएंगे। हॉर्न को ऑफ कर देते हैं, शॉटल इंक्रीज, और ये कपलिंग हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हो हमारी कपलिंग हो चुकी है। या यार मतलब कपलिंग देख रहे हो, ऐसा अपना इंडियन रेलवेज एक बार सोच लो, अगर DLC आ गया तो क्या होने वाला है भाई। जितने भी इंडियंस मतलब ट्रेन्स फैन है ना, रेल फैंस हैं इन शॉर्ट, तो भाई अगर गेम खेलते होंगे ना ये ज़रूर लेंगे, 100% लिख के दे रहा हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है भाई, रिवर्सर को न्यूट्रल में लगाना है। ओके, पर अभी तो यार मुझे उधर साइड जाना होगा ना, दूसरी साइड, तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ भाई। चलो यार इधर चलते हैं। अच्छा मैं ऑलरेडी लोकोमोटिव में, मेरे को लगा यार मैं बाहर आ रखा हूँ, क्या है यार मेरे को पता ही नहीं चला। चलो इसे न्यूट्रल पे लगाते हैं, मास्टर की को ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं भाई। अब क्या करना है, हेडलाइट्स को ऑफ करना है, हेडलाइट्स, पहले तो टेल लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ और फिर हेडलाइट्स को ऑफ कर दिया। अब क्या बोल रहा है ये, अच्छा अब इस जो आगे वाली ट्रेन है उसके हमें एंड पे जाना है, मतलब पीछे साइड जाना है। डोर को ओपन करो, बाहर निकलो और क्लोज कर देते हैं भाई। क्लोज हो जाए यार डोर, तेरे भी अलग ही नखरे चल रहे हैं। ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस, यार मतलब लुक देख रहे हो क्या आता है इस ट्रेन का, मैंने बस इस लुक के लिए इस गेम को परचेस किया है, लिटरली कहूँ तो गाइस मतलब इस गेम के ग्राफिक्स जो है ना, वो ग्राफिक्स मेन चीज़ है जो इसने मेरे को अट्रैक्ट किया है इसमें। तो अभी यार बहुत पीछे जाना है, भागो भाई, कैलरीज बर्न करो जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं इस लॉकडाउन के अंदर। 50 yards पहुँच गए ऑलमोस्ट। ये इस ट्रेन का गाइस पीछे का वो है इंजन, यार मतलब लुक देख रहे हो, डिटेलिंग देख रहे हो, मज़ा आ जाता है ऐसी डिटेलिंग देख के। तो भाई चलो डोर को ओपन करते हैं, अंदर घुसते हैं, और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। ये भाई कहता है आप टर्न द लाइट्स टू टेल लाइट्स, अच्छा लाइट्स को टेल लाइट्स पे कर देते हैं, हो गया है। अब क्या करना है भाई जल्दी बता यार। अच्छा ये क्या था, मतलब उसका बस कैप को ओपन करना था, दैट्स इट, यही करना था यार। इधर से उधर दौड़ाए जा रहे हैं, कर क्या रहा है मेरे को भाई, जल्दी से डोर क्लोज कर, मेरे को उधर भागना है। अब भागो यार, मेरी ट्रेन निकलने वाली है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ ड्राइवर, टेंशन नहीं लो। तुम्हारा भाई जब तक कुछ करेगा नहीं ट्रेन निकलेगी नहीं, डोंट वरी। यार मेरे को लग रहा है जो आज की वीडियो है ना आधे घंटे की हो ही जाएगी। चलो कोई नहीं, आज की वीडियो 25 मिनट की जगह आधे घंटे की कर रहा हूँ, मतलब देख रहे हो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वापस आया हूँ तो हो क्या रहा है। सोचा था 15 मिनट की वीडियो करूँगा, वो हुई 25, 25 से हो गई 30, 30 से एक घंटा नहीं होगी, नहीं होगी, टेंशन ना लो यार, एक घंटा करूँगा गाइस मैं। स्पेशल ट्रेन जर्नी यार काफ़ी टाइम से करी नहीं है मैंने। तो चलो यार अब बैठ जाते हैं वापस अपने इंजीनियर की सीट पर। मास्टर की को फिर से इंसर्ट करते हैं, हो चुकी है, और रिवर्सर को आप आगे लगा देंगे बिकॉज हमें आगे जाना है, और सिग्नल हमें मिला हुआ है, और जो लाइट्स हैं उसे डे टाइम पे करेंगे, डे टाइम कर दिया है। टेल लाइट्स को ऑन करने का नहीं करना है अभी, क्या करना है भाई। अच्छा सिग्नल परमिटिंग हो गया, मतलब ठीक है, अब अपने को गाइस आगे जा सकते हैं, हमारी मेन जर्नी यहाँ से शुरू हो चुकी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब हम यहाँ से जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेंसिल वर्ल्ड, आपने फाइनली मेरी सुनी। अच्छा स्टॉप एट लोकेशन, भाई इंक्रीज करो यार पावर, क्या हो गया, ये लोकोमोटिव आगे बढ़ने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अरे यार अच्छा ये इसलिए हुआ यार, मेरे से ना काफ़ी टाइम्स में बहुत मिस्टेक हो जाती है, मैंने जो है ब्रेक्स रिलीज ही नहीं करे थे प्रॉपरली। आप वो देख सकते हो ब्रेक प्रेशर का जो निडल है वो रेड वाली नीचे जानी चाहिए और वाइट वाली ऊपर, वो हुई नहीं थी। चलो अब कर दिया, अभी होगा, स्पीड इंक्रीज करेंगे भाई। चलो बढ़ा दो भाई, हॉर्न बजाओ और निकालो यहाँ से अब जल्दी। और भाई अपनी ट्रेन चल गई फाइनली,
यहाँ से गाइस हमारी ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस डिपार्ट करेगी और जो स्पीड है वो भी ठीक मिलेगी, 30 miles per hour की स्पीड मेंटेन करके मैं यहाँ से डिपार्ट कर सकता हूँ। तो भाई थ्रॉटल पावर 3 कर देता हूँ बिकॉज पीछे यार ट्रेन है, भारी है ऑब्वियसली, और मेरे लोकोमोटिव पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा सॉरी, उसे पुल करने के लिए। तो चलो यार अब आएगा अपना जर्नी में मज़ा। ये 3 मिनट में मैं जितना भी कवर कर सकता हूँ करूँगा, और जो मेन जर्नी है वो आपको आने वाली वीडियो में दिख सकती है। और हाँ गाइस, वो मैं सिर्फ तभी बनाऊँगा अगर आप उसकी रिक्वेस्ट करते हो, अगर आपको पसंद आ जाती है इस वीडियो, मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो। ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस, क्या बात है, मतलब मैं फ़ैन हो गया इस गेम का लिटरली। अच्छा एक चीज़ और है गाइस, आप इसमें और ट्रेन सिमुलेटर जो गेम है, ट्रेन सिमुलेटर 2020, ये नोटिस करोगे उसमें यार एक तो ना ठीक से चलता ही नहीं वो गेम, वो इतना अनऑप्टिमाइज्ड है ना, और ये इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि मैं क्या बोलूँ यार। वो लोड होने में एक सिनेरियो को, मतलब आपने इमेजिन करो आप कोई सिनेरियो बना चुके हो कम्प्लीटली, उसको लोड करने में लिटरली 10 से 20 मिनट लगाता है। मेरी आवाज़ की बैटरी है यहाँ पर, मेरे को डर लग रहा है अब कोरोना वायरस। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग मेरे को फालतू में डराया मत करो, मतलब मैं ही मिला था मज़े लेने के लिए। अरे गाइस ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत टाइम बाद बात कर रहा हूँ तो मेरी जो है आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है, ऐसे बहुत बार हुआ है मेरा ऐसा। भाई क्या व्यू आ रहा है यार, ये तो मैं यहाँ से देखेगा। तो चलिए गाइस, स्पीड बहुत सही वाली मिली है, देख रहे हो 230 यार्ड के बाद 125 माइल्स पर आवर की स्पीड मिल जाएगी। तो चलो यार फिर से थ्रॉटल पावर इंक्रीज़ करते हैं और इस ट्रेन को अब लेके चलते हैं। फेल पड़ी है यार बेचारी, ऐसा काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वैसे गाइस ये मैंने नहीं किया है, ये जो डेवलपर हैं इस गेम के और इस DLC के, ये वही उन्होंने ही क्रिएट किया है ऐसा सिनेरियो। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे को ना बोलें और अपनी जर्नी को आज इन्जॉय करें, क्योंकि जो व्यू आने वाला है ना जर्नी, मज़ा आ जाएगा जब मैं इस ट्रेन को हाई स्पीड में लेके जाऊंगा। लुक देखना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ऐसे जो कैमरा एंगल होता है ऐसे से ही ट्रैवल करता हूँ यार। अभी हम फास्ट लाइन पर, स्लो लाइन पर कब जाएंगे ऐसे यार, अपनी ट्रेन ऑपरेटेबल तो है नहीं अभी पैसेंजर्स के लिए, तो इसे स्लो लाइन से ही निकाला जाएगा, क्योंकि ये सिनेरियो गाइस मैंने खेल लिया है कुछ दूरी तक तो मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। और थोड़ी सी हॉन्किंग करके चलते हैं, आदो गाइस मैं क्या कह रहा था, ट्रेन सिमुलेटर 2020 और ट्रेन सिम वर्ल्ड के बारे में। यार उन दोनों में अगर आप कहोगे कि भाई देवांश आप कौन सा प्रेफर करोगे, तो यार मैं प्रेफर करूँगा ट्रेन सिम वर्ल्ड। अगर आपके पास हाई स्पेक्स PC है या लो स्पेक्स भी है, लो स्पेक्स है तो इस गेम के आप ग्राफिक्स थोड़े लो कर सकते हो, सिंपल है, फिर आप इसे प्ले कर सकते हो इजीली, कोई इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारी ट्रेन ने क्या शानदार तरीके में यार अपना ट्रैक चेंज किया है, मज़ा आ गया यार। और आप लुक देख सकते हो जो आ रहा है, एकदम रियलिटी वाला, जैसा असली में आप लगता है कि हाँ यार अपनी ट्रेन मूव कर रही है हाई स्पीड पर। और यहाँ पे हमें हाई स्पीड ऑलमोस्ट मिल चुकी है, और भाई देख रहे हो राइट साइड में जो सिग्नल है वो ग्रीन है। तो अगली वीडियो जो आएगी इस मतलब सिनेरियो की, उसमें पैरेलल रेस भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, और आपका भाई है तो ओवर स्पीडिंग करके चला जाएगा बट आपको पैरेलल रेस दिखाएगा अच्छी बात। तो चलो यारो इस वीडियो के इतना ही, मैं इतना ही पार्ट कवर कर सकता था, और यहाँ आप सभी के लिए मैं थ्रॉटल पावर लगा देता हूँ अब 6, ताकि और स्पीड में जा सके हमारी ट्रेन। तो यारो काफ़ी टाइम बाद आया था, सॉरी यार, रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी, एक तो मैं आलसी हो गया था और कुछ और रीजंस भी थे, वो रीजंस क्या थे उनके बारे में मैं श्योरली बात करूँगा, बट अभी नहीं, कुछ आने वाले टाइम में। और आज बताने यार कैसी लगी वीडियो, दैट्स इट, मज़ेदार अगर लगी हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। और टेंशन मत लेना, ओपन रेल्स और रेलवर्क्स की तो शायद कम आ सकती है, बट ओपन रेल्स की डेफिनेटली आएगी, बिकॉज आप सभी को ऑब्वियसली वही ज़्यादा पसंद आता है। तो ओपन रेल्स में आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे, या ट्रेन सिम वर्ल्ड की अगली वीडियो आप कैसी देखना चाहोगे, आप बता देना।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय ऑल, टेक केयर।